सभी का स्वागत है और ये रेसिपी है टोमेटो सूप की। जैसे आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में आपको टोमेटो सूप मिलता है, तो उसमें प्याज लहसुन अदरक मिला दिया जाता है और हो सकता है उसमें कलर भी मिलाया जाता है। तो हम ये आर्टिफिशियली तरीके से बनाया जाता है, पर मैं आपको बिल्कुल नेचुरली बताऊंगी और बिना किसी कलर या कोई थिकनर मिलाने। और इसे देख लेते हैं बनाते कैसे। इसके लिए लिया है हमने एक गहरा बर्तन और इसमें लिया है मैंने 500 ml पानी लिया है, क्योंकि मैं इसमें ले रही हूँ टमाटर 4 से 5 देसी टमाटर ले रही हूँ, क्योंकि उनका फ्लेवर उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है टमाटर सूप में। आप उनकी जगह हाइब्रिड टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उनका स्वाद भी बहुत अच्छा है, या फिर दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। ये देखिए टमाटर को हमने पानी में मिला दिया है, आप देखेंगे धीरे धीरे इनकी स्किन टमाटर से अलग होती नज़र आ रही होगी, और जैसे ही इनकी स्किन अलग होती जाएगी हम उन टमाटर को एक प्लेट में निकाल देंगे और जिनके छिलके नहीं अलग होते हैं उसे पानी में ही रहने देंगे। ये कुछ देर बाद इनके छिलके भी अलग हो जाएंगे बाकी टमाटर की तरह। ये देखिए टमाटर के छिलके अलग हो गए हैं, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और टमाटर को ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे, और जैसे ठंडे हो जाए उसके बाद इनके छिलके निकालना शुरू करेंगे। ये देखिए टमाटर अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, अब हम इनके धीरे धीरे से आराम से निकल जाते हैं छिलके। कितने अच्छे से निकल रहे हैं, आपने देखा होगा मार्केट में आप टमाटर सूप लेते हैं तो बिल्कुल ग्रेवी जैसा टेस्ट आता है, यानी कि उसमें प्याज लहसुन मिला दिया जाता है और जिसके कारण वो पूरी ग्रेवी बन जाती है। और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे मिक्सर जार में, बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद ही टमाटर आपको मिक्सर ग्राइंडर में आपको मिलाना है और इसे ग्राइंड करना है। अगर आप गर्म ले लेंगे टमाटर तो हो सकता है जार ख़राब हो जाए आपका। ये देखिए बिल्कुल टमाटर की प्यूरी बन गई है और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक भी पीसेस नहीं नज़र आ रहे हैं टमाटर के। अगर ऐसा रहता है पीसेस हो तो आप इसे दोबारा ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम इसे एक तड़का लगाएंगे, इसके लिए मैंने लिया है तेल मैंने लिया है सनफ्लावर का तेल, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें लिए बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसमें आप करी लीव्स और पुदीना की पत्ती भी मिला सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें लिया है ज़ीरा, अब मैं मिला दूंगी इसमें, और आप इस बीच काली मिर्ची का पाउडर भी मिला सकते हैं। अब हम इसमें मिला देंगे टमाटर की प्यूरी, ये मैंने मिला दी है, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसे आप और तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें लाल मिर्ची का पाउडर मिला सकते हैं, जैसा कि मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ लाल मिर्ची का पाउडर, और आप उसकी जगह काली मिर्ची का पाउडर या फिर कोई और मसाला भी मिला सकते हैं, जैसे कि जीरावन मसाला भी मिला सकते हैं। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे बॉयल करेंगे। ये 5 से 10 सेकेंड के अंदर अच्छे से उबल जाता है टमाटर का सूप। अगर आपको ये गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें पानी मिला सकते हैं, और आप चाहे तो टमाटर के साथ कोई और वेजिटेबल्स भी मिला सकते हैं, बीटरूट हो गया वो भी मिला सकते हैं और गाजर भी मिला सकते हैं। और इसे हमें हरा धनिया की पत्ती से गार्निश करके इसे सर्व करेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।